रहमान रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है। उर्दू मीडियम बच्चों, हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 बच्चों, हमने चार चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और चैप्टर नंबर 5 के बच्चों, हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और 5.1 से लेकर 5.9 तक बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे 5.10। तो बच्चों 5.10, हमारे पास एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट जमीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दश कर रहा है और इसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दे दी उसने, बुलंदी दे दी। हम पहले क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा, क्योंकि डाटे के दो नंबर होते हैं फ्री के। तो बच्चों हमें क्या दे दी उसने, बुलंदी, क्योंकि बुलंदी को हम जाहिर करते हैं एच के साथ। वो हमें किसके बराबर दे दी, 42,000 किलोमीटर। तो बच्चों आप लोगों को पता है हाइट का जो सा, बुलंदी का जो सा यूनिट होता है मीटर में होता है, इसलिए ये हमारे पास किलोमीटर है। हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1,000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1,000 के साथ ज़रब करवा देंगे। हाइट मसावी हमारे पास 42,000 ज़रबे 1,000 मीटर। बच्चों ये था मेरे पास किलोमीटर, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया मीटर के अंदर। तो मैं 1,000 मीटर के साथ क्या करवा दूंगा, ज़रब। तो बच्चों मेरे पास क्या आ गई, हाइट मसावी। तो बच्चों जिसकी कोई ज़ीरो नहीं होती उसकी आखिर पे ज़ीरो होती है। मैंने इसको कितने हिस्से मूव करवाना है, 1, 2, 3, 4, चार हिस्से मूव करवा देंगे। 4.2 × 10^4 आ गई हमारे पास। और बच्चों ये ज़रब इसी तरह इसको मैं 1,000 को लिख सकता हूँ 10^3, साथ क्या आ गया, मीटर। जिसका कोई अशारिया नहीं होता उसका आखिर पे होता है। मैंने दाएं से बाएं की जानब मूव करवाया, कितने हिस्से मूव करवाया, 1, 2, 3, 4, चार हिस्से मूव करवा दिया। तो बच्चों इस अशारिए को तो हम क्या लिखेंगे, 10^4 पॉजिटिव में लिखेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास हाइट इसी तरह आ गई, 4.2 × 10^4। बच्चों बेस क्या है, सेम। अगर बेस क्या हो, सेम, तो जरब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया, 7 क्या आ गया, मीटर। ये हमारे पास बुलंदी आ गई। और आप लोगों को हमने मालूम क्या करने हैं, ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। बच्चों हमने ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। ऑर्बिटल स्पीड को हम जाहिर करते हैं वी नॉट के साथ। ये चीज़ हमने क्या करनी है, मालूम। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ज़मीन के मास की बात करूं, ज़मीन का मास, तो बच्चों ज़मीन का मास को हम एम ई के साथ जाहिर करते हैं। वो होता है हमारे पास 6 × 10^24 kg। अगर मैं बात करूं ज़मीन का रेडियस, ज़मीन का रेडियस, तो बच्चों आप लोगों को पता है ज़मीन का रेडियस होता है हमारे पास 6,400 किलोमीटर। तो हमने इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास 6,400 आ गया, ज़रबे कर देंगे 1,000 मीटर के, जिसका कोई इशारिया नहीं होता उसके आखिर पे होता है। इसको मैं एक हिस्से, दो, तीन हिस्से मूव करवा दिया। तो मेरे पास 6.4 × 10^3 × 10^4, इस हम 1,000 को लिख दूंगा 10^3, साथ क्या आ गया, मीटर। और इसको हम जाहिर करते हैं आर के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आर मसावी ज़मीन का रेडियस है, साथ ई लिख देंगे। ई से मराद क्या है, अर्थ। तो बच्चों जिसका कोई इशारिया नहीं था उसका आखिर पे इशारिया होता है। 1, 2, 3 हिस्से मैंने मूव करवा दिया इस इशारिये को, दाएं से बाएं की जानब लेके गया हूं। तो मैं 10^ पॉजिटिव में लिखनी है। तो बच्चे मेरे पास 6.4 × 10^ बेस सेम है, पावरें जमा होगी, 3 + 3 = 6 आ गई। तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू का भी पता होना चाहिए। वो बच्चों आप लोगों के पास होती है 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और केजी की पावर -2। ये इन वैल्यू का हमें पहले से ही पता है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, वी नॉट। आप लोगों को पता होना चाहिए वी नॉट,
वी नॉट का फार्मूला होता है जजर ग्रेविटेशनल हाइट इनटू रेडियस प्लस हाइट। तो बच्चों ये फार्मूला होता है इसका आर्बिटल स्पीड का। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस फार्मूले को हल करने के लिए, इस वैल्यू को हल करने के लिए हमें चाहिए ग्रेविटेशनल हाइट, चाहिए ग्रेविटेशनल की बुलंदी, बुलंदी की ग्रेविटेशनल हमें चाहिए, वो पहले मालूम करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल हाइट का जो सा फार्मूला होता है, कॉन्स्टेंट जी जमीन का मास ओवर रेडियस प्लस हाइट ऊपर होल का स्केयर, ये फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल हाइट का। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल हाइट मालूम कर लेंगे, फिर इसको मसावात वन का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों मेरे पास ग्रेविटेशनल हाइट मसावी जी की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 6.673 जरबे 10^-11, और ज़मीन का मास जरबे ज़मीन का मास की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 6 जरबे मेरे पास 10^24। बच्चों आपने यूनिट को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यूनिट को इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी गलतियां कर लेंगे। तो आपने यूनिट का इस्तेमाल नहीं करना। हमें पता है स्पीड का जो सा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, हम एंड पे लिख देंगे मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये मेरे पास इसी तरह आ गया। और आर ज़मीन का रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, ज़मीन का रेडियस है मेरे पास 6.4×10^6 है प्लस हाइट। बच्चों मेरे पास हाइट किसके बराबर है, मेरे पास 4.2 ^10^7 ऊपर क्या है होल का स्केयर। तो बच्चों हमने मालूम करनी है आर्बिटल स्पीड, आर्बिटल स्पीड का ये वाला फार्मूला होता है। तो जी एच पहले मालूम करेंगे, जी एच का ये वाला फार्मूला होता है। सबसे पहले हम जी एच मालूम करेंगे, बुलंदी की ग्रेविटेशनल मालूम करेंगे। तो बच्चों मैंने कॉन्स्टेंट जी की वैल्यू दर्ज कर दी, ज़मीन के मास की वैल्यू दर्ज कर दी, रेडियस की वैल्यू ज़मीन का रेडियस की वैल्यू दर्ज कर दी, और मैंने ये वाली हाइट जिस हाइट के साथ ये गर्दश कर रही है वैल्यू, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो वो हमने वैल्यू दर्ज कर दी। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ग्रेविटेशनल हाइट इसी तरह आ गई मसावी। अब क्या करेंगे, इस रकम को इसके साथ ज़रब करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर बेस क्या है सेम, तो पावरें क्या होगी जमा, तो यहाँ पर -11 प्लस करवा देंगे 24 ओवर हमारे पास आ गया 6.4×10^6 प्लस। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने यहाँ पर भी 10^6 है, इसके साथ भी हमने 10^6 बनानी है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, इस अशारिये को एक हिस्सा इस तरफ मूव करवा देंगे पीछे की जानब, बाएं से दाएं की जानब जब भी अशारिया को लेके जाएंगे तो हमने 10^-9 में लिखनी होती है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 42 जरबे 10^-1 हम यहाँ पर ले गए, पीछे की जानब मूव करवा दिया, तो मैं 10^-1 लिखूंगा, 7 आ गया मल्टीप्लाई 10^7 ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चे मेरे पास ग्रेविटेशनल हाइट मसावी 40.038 10^13 आ गई मेरे पास, माइनस का 11 प्लस का 24 प्लस का 13 बच जाएगा। तो बच्चों ओवर हमारे पास आ गया 6.4×10^6 प्लस 42। बच्चों इस इशारे की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम 42 कर देंगे ज़रबे, यहाँ पर 10^-1 है और 10^7 है, तो यहाँ पर आ जाएगी 10^6, 1 पावर माइनस की कम हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, पावरें जमा करवाएंगे तो 10^6 आ गई, ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों हमारे पास ग्रेविटेशनल हाइट मसावी हमारे पास आ गया 40.038 ओवर। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10^6 है, यहाँ पर भी 10^6 है, हम 10^6 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 10^6 कॉमन आ गई, तो हमारे पास क्या
क्या बचेगा यहाँ पर, 10 की पावर 6 को हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 4, 6.4 प्लस 42, तो ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो मेरे पास ग्रेविटेशनल हाइट मसावी, तो बच्चों मेरे पास ये आ गया 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 ओवर ये 10 की पावर 6 इंटू, इसको इस वैल्यू को जमा करवा देंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो बच्चों हमारे पास 6.4 प्लस करवाएंगे 42, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 48.4, ऊपर क्या आ गया होल का स्केयर। तो बच्चों ग्रेविटेशनल हाइट मसावी 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 ओवर, तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास 10 की पावर 6 है, इस वैल्यू का भी स्केयर है और इस वैल्यू दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर कर देंगे, इसका स्केयर अलग से और 48.4 का स्केयर अलग से कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास ग्रेविटेशनल हाइट मसावी 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 ओवर, बच्चों बेस की पावर होल की पावर 6 × 12 आ गया हमारे पास। और जब इसका स्केयर लेंगे इस वैल्यू का, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ये 23.4056। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये बेस सेम है तो पावर ग्रेविटेशनल हाइट मसावी 40.038 ओवर 23.4056, और बच्चों ये 10 की पावर क्या है 13, बेस क्या है सेम, ये पावर इसके साथ जाके क्या हो जाएगी माइनस की 12। तो बच्चों इस वैल्यू को पहले तकसीम करवा देंगे, मेरे पास 40.038 तकसीम करवाएंगे 23.4056 के साथ, तो आप लोगों के पास जो उनका आंसर आएगा ना ग्रेविटेशनल हाइट मसावी ये आ गया 0.01709, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गई, 13 में से माइनस 12 करेंगे 10 की पावर 1, तो इसको 10 के साथ ज़रब करवा देंगे ज़रबे 10। तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ग्रेविटेशनल हाइट मसावी 0.1709। तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हमने तो ग्रेवी हमने मालूम क्या करनी है, आर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, तो आर्बिटल स्पीड का ये वाला फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास वी नॉट मसावी जजर ग्रेविटेशनल हाइट इंटू रेडियस प्लस हाइट, तो बच्चों ये वी नॉट हमारे पास वी नॉट मसावी ग्रेविटेशनल हाइट की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 0.1709, और मेरे पास आर प्लस एच, मैंने आर प्लस एच कहाँ पर किया था, ये मेरे पास है आर प्लस एच की वैल्यू, तो मैं यहाँ से यही वैल्यू इस्तेमाल कर लूँगा। तो मेरे पास आ गया 10 की पावर 6 इंटू 48.4, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू थी आर प्लस एच की, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर प्लस एच की वैल्यू निकाली हुई है, तो मेरे पास आर प्लस एच की ये वैल्यू वहाँ पर यही वैल्यू दर्ज कर दूंगा फार्मूले के अंदर। तो ऊपर क्या आ गया सारे का जजर वी नॉट मसावी, तो बच्चों हम क्या करेंगे इस सादा रकम को इस वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हम ज़रब करवाएंगे यहाँ पर इस वैल्यू को 48.4 के साथ, ज़रबे 48.4 के साथ ज़रब करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8.2723 आ गया, और साथ आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो बच्चों ये वी नॉट इसी तरह आ गया। तो अब क्या करेंगे 8.2723 ज़रबे, तो बच्चों यहाँ पर 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 का मतलब क्या, हमने 6 ज़ीरो लगानी है 1 के साथ, 1 1 2 3 4 5 6, और इसको ज़रब भी करवा देंगे इसके साथ 10 की पावर 6 के साथ। तो बच्चों ज़रब करवाएंगे 1 6 ज़ीरो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरो के साथ ज़रब करवा दी, तो हमारे पास इसका जो उनका आंसर आएगा ना वी नॉट का मसावी, हमारे पास आंसर आ गया इसका 82.2।
बहत्तर 314.05। तो बच्चों अब इसका हमने क्या लेना है, जज़र, जज़र भी ले लेंगे, इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास वी नॉट की जो सी वैल्यू आएगी ना जज़र के साथ, वो आ जाएगी 28.76। अब इसी वैल्यू का हमने जज़र ले लिया, अशारिया हमारा यहाँ पर है, इस वैल्यू का हमने जज़र लिया तो हमारे पास 28.76 आ गया, क्योंकि स्पीड का जो सा यूनिट होता है ना बच्चों वो होता है मीटर पर सेकंड, पर सेकंड होता है। तो बच्चों हमने वी नॉट हमने मालूम करना। बच्चों मैंने आप लोगों को मैथ भी कंप्लीट करवा दी है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने मैथ के अंदर तमाम एक्सरसाइज और तमाम हद मशक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखना।